सीएम वीरभद्र सिंह और परिवहन मंत्री जीएस पाली के बीच चल रहे वाक युद्ध में बाली ने एक बार फिर सीएम वीरभद्र सिंह पर तंज कस दिया है। सीएम के रिटायरमेंट वाले बयान पर बाली ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये हाई कमान और उनके बीच में है, जिस दिन मैं रिटायर्ड होना चाहूंगा किसी से नहीं पूछूंगा। वहीं कांग्रेस में नेतृत्व के सवाल के जवाब में बाली ने कहा कि पार्टी ने अभी तक किसी को भी नेतृत्व सौंपने का निर्णय नहीं लिया है। वहीं संगठन और सरकार में मतभेद पर बाली ने कहा कि संगठन व सरकार में दूरियों से दिल दुखी होता है। ऊना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री जीएस वाली ने कहा कि प्रदेश में सरकार व संगठन के बीच मनमुटाव से दिल दुखी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि नेताओं को भी अपनी जुबान पर चुप्पी साधनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कभी मिले तो नजरे व सर झुकाना पड़े। सरकार और संगठन में जो है वो काफी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं, किस तरह से मान सकते हैं? देखिए, मैं जो खबरें पढ़ रहा हूँ ये काफी डिस्टर्ब करने वाली है। और सरकार और मतभेद में सुखू जी अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री है और छिंदे साहब यहाँ अपने आप आए हुए थे, सारी चीज का उन्होंने संज्ञान लिया हुआ है। अब जो भी फैसला है ये ऑनरेबल हाई कमांड के उसमें है और जैसे हाई कमांड जो भी फैसला लेगी वो लेगी, मगर अभी भी हमें इससे जो है परहेज करना चाहिए सबको और प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हम ऐसा कुछ ना बोले कि हम जिंदगी में कहीं मिले तो एक दूसरे के आगे सर झुका करके क्रॉस करना पड़े, तो उतना का हमें शिष्टाचार के नाते वो रखने की व्यवस्था है। परिवहन मंत्री जीएस पाली ने कहा कि मैं सोनिया गांधी के आशीर्वाद से वीरभद्र कैबिनेट में मंत्री हूं। अगर सीएम साहब को मेरा काम ठीक नहीं लगता है तो वो अपने विवेक से फैसला लें। देखिए, वो मैं जिस सरकार में मैं मंत्री हूँ उसके वो मुख्यमंत्री हैं और मैं सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार में मंत्री हूँ। अगर उनको लगता है कि मेरा काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, जब उनको लगता है कि मैं नकम्मा और वो बेकार हूँ, तो वो उनके पास उनका प्रोगेटिव है मुझे अपनी सरकार में रखना कि नहीं रखना, है ना। वो देखे, मैं उनके बयान जो भी दिए हैं उसका संज्ञान नहीं ले रहा, मगर अगर ऐसे बयान दिया है तो मैं यही कहूंगा कि अपने विवेक से जो वो ठीक समझे वो करे। वहीं जीएस पाली ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि यदि किसी ने रिटायर्ड होना है तो उसे किसी से पूछने या इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं रिटायर्ड होना चाहूंगा तो उस समय किसी से पूछूंगा नहीं, घोषणा कर दूंगा। सर, जैसे सीएम वीरभद्र सिंह का कहना है मैं रिटायर होना चाहता हूँ लेकिन हाई कमांड मुझे जो है रिटायर नहीं कर रहा, वो हाई कमांड और उनके बीच में है, जिस दिन मैं रिटायर होना चाहूंगा मैं किसी से नहीं पूछूंगा। थैंक यू सर। वहीं कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनावों की कमान के सवाल पर बाली ने कहा कि हमारी हाई कमान सोनिया गांधी व राहुल गांधी हैं, उनका हर आदेश व निर्देश मान्य होगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए हाई कमान की ओर से अभी किसी को भी प्रदेश का नेतृत्व सौंपा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी सुशील कुमार शिंदे भी इस बात को साफ कर चुके हैं और कई बार इस पर बोल भी चुके हैं, ऐसे में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। सर, क्या पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नेतृत्व का फैसला कर लिया है? अब वो उसका मेरे ख्याल में छिंदे जी कई बार जवाब दे चुके हैं, ये सवाल जवाब कर रहे हैं और उसका जवाब उन्होंने कई बार दिया है, तो जो जवाब उन्होंने दिया है मेरी भी हमें उसी में है। ये अभी तक उन्होंने, मैंने बहुत पहले आपके पास यहाँ आया था, याद होगा ऊना में, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि सोनिया जी हमारी नेता हैं और फिलहाल जो हाई कमांड ने अभी तक किसी को नेतृत्व दिया नहीं है, जब दे देंगे तो वो जो उनका हाई कमांड का फैसला होगा सबको मान्य होगा।